चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, सरकार बनाई उन्होंने आंध्र प्रदेश में और जगन मोहन रेड्डी को करारी मात दी और उसके बाद एक बड़ी जीत के बाद दिल्ली पहुंचे हैं एनडीए के घटक दल। और सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जो दल है वो टीडीपी नजर आ रहा है। कल जब जीते आंध्र प्रदेश का चुनाव तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी बातचीत की चंद्रबाबू नायडू से। और इस बीच आपको बता दें सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रामकृपाल सर, इस वक्त की इन तस्वीरों का मतलब भी समझा दीजिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, जिस पर नीतीश का अलग स्टैंड रहा है और चंद्रबाबू नायडू भी अच्छे खासे बार्गेनर माने जाते हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर उस इतिहास को समझते हुए आज की स्थिति में देखिए, क्या कंडीशंस भी रखी जा सकती है किंग मेकर होने के साथ साथ इनके जरिए? देखिए, ये जब मिली जुली सरकार होती है तो दोनों पक्ष जानते हैं कि कितना हमें आगे जाना है, कितना हमें ठहरना है, कैसे करना है। और नीतीश जी जो है, देखिए नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों बीजेपी के साथ रह चुके हैं, अटल जी के जमाने में रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव है बीजेपी के साथ काम करने का। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए सबका, इवन मोदी जी का भी जो कुछ भी उनका है, उनका उद्देश्य रहता है राष्ट्र की भलाई, इसमें देश की भलाई हो। उन्होंने मोदी जी ने किसी भी तरह की योजना में कोई भेदभाव अभी तक हिंदू मुसलमान का नहीं किया है। कुछ एक मसले हैं जो राष्ट्र के लिए हैं, जैसे ही कॉमन सिविल कोड, ये संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे संविधान निर्माताओं का ये था नीति निर्देशक सिद्धांत में है, इसको आप जल्दी से जल्दी कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के इतनी बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों को मैं इसको कहा है कि ये बहुत जरूरत है वक्त। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों पर ऐसा नहीं है कि हाँ, देखिए मतभेद तो खुद पार्टी में भी होते हैं, हर पार्टी में फैक्शन होते हैं, और जब ये लोग, आज की बात नहीं है, जब गठबंधन बना के हम चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो एक मिनिमम सहमति तो तभी होती है। ठीक है सर। चंद्रबाबू नायडू को भी मालूम है मोदी जी की ये प्राथमिकताएं क्या है, नीतीश जी भी जब जानते हैं कि मोदी जी की प्राथमिकताएं क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई ऐसी अड़चन आएगी। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं रामकृपाल सर, कि नफा नुकसान देख के, लेकिन यहाँ पर नफा ज्यादा है और इसीलिए नीतीश कुमार एनडीए के पाले में है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर नफा ज्यादा हो इसीलिए पलटी मारने की कोशिश हो, यही आशंका है, इसीलिए सवाल भी किया गया था।